मैं हूं सुरभित सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को हम सब जानते हैं। जी हाँ, हम सबको लगता है कि शाहरुख खान अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं, जो कि वो हैं, लेकिन उनकी भी जिंदगी आसान नहीं रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहरुख खान की बहन शहनाज लाला रुख डिप्रेशन से गुजर चुकी हैं। जी हाँ, अपनी बहन को लेकर वो हमेशा ही चिंता में रहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बहन की हालत के बारे में भी बात की थी कि किस तरीके से माँ पापा के निधन के बाद शाहरुख खान की बहन की हालत खराब हो गई थी, वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। जी हाँ, पिता के निधन के बाद से ही शहनाज लाला रुख, जो कि शाहरुख खान की बहन है, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। उनका इलाज करवाने के लिए शाहरुख खान उन्हें स्विट्जरलैंड तक लेकर गए थे। अब आपको बता दें कि शाहरुख खान के साथ ही रहती हैं उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख। लेकिन शहनाज कि इस हालत के बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कि किस सिचुएशन में उनकी ऐसी हालत हो गई और आज शाहरुख खान किस तरीके से अपनी बहन की देखभाल करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता सबसे ऊपर होते हैं। बच्चे के लिए उसके माता पिता उस साए की तरह होते हैं जो उन्हें हर मुश्किलों से बचाते हैं, जो उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को खोता है तो ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्षति होती है, जिसे इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। माता पिता एक बच्चे को जितना सुकून देते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन जब उनके पेरेंट्स का निधन होता है तो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इस दुख से बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनकी बहन शहनाज लाल रुख भी गुजर चुके हैं। हाल ही में शाहरुख खान का एक थ्रोबैक वीडियो सामने आया, जिसमें वो बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स के निधन के बाद एक्टर और उनकी बहन शहनाज के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान के पिता का नाम स्वर्गीय मीर ताज मोहम्मद खान और माता का नाम लतीफ़ फातिमा खान है। शाहरुख खान की परवरिश दिल्ली में हुई। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान की कैंसर से 1981 में निधन हो गया। वहीं उनकी माँ 1991 में डायबिटीज़ में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चलते दुनिया को अलविदा कह गई। अपने पेरेंट्स के निधन के बाद एक्टर की बड़ी बहन शहनाज लाल को डिप्रेशन हो गया था, जिसके बाद शाहरुख ने उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। जी हाँ, शहनाज अभी भी अपने भाई के साथ मुंबई स्थित घर में ही रहती हैं। जी हाँ, शाहरुख खान का वो थ्रोबैक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बात की थी। सोशल मीडिया पर इन दिनों शाहरुख खान का थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताते नज़र आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने और उनकी बहन शहनाज लाल रुख ने अपने माता पिता के निधन का सामना किया था। जी हाँ, शाहरुख ने कहा था कि उसने सिर्फ देखा, वो रोई नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, वो बस गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी। उसके बाद 2 साल तक वो रोई नहीं थी, वो कुछ बोलती ही नहीं थी, वो बस अंतरिक्ष में देखती रहती थी। इस दुख की घड़ी ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। शाहरुख ने कहा था कि मेरी बहन का शोक करने का तरीका अलग था, मैंने किसी तरह झूठे भावों को विकसित किया, मैं हमेशा मुस्कुराते रहता और मजबूती के साथ अपने दुखों को छुपाता रहता, लेकिन मेरी बहन को हमारे माता पिता को खोने का गहरा झटका लगा था, वो कई चीज़ों से जूझने लगी थी। मेरी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग के दौरान वो फिर से अस्पताल में भर्ती हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो जीवित नहीं रहेंगी। जब मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम की शूटिंग कर रहा था, तब मैं उसे स्विट्जरलैंड ले गया, वहाँ उनका इलाज करवाया, लेकिन वह अपने पिता के अचानक निधन के दुख से कभी उभर नहीं पाई थी। मुश्किलें तब और बढ़ गई जब पिता के निधन के 10 साल बाद मेरी माँ का भी निधन हो गया। इस बात को लेकर एक्टर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जिंदगी का पार्ट मेरी बहन है, लेकिन मेरे अंदर इतना सरल आहत और परेशान होने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं काम के इर्द गिर्द खुद को व्यस्त रखता हूँ, खुश रहता हूँ। इसके अलावा मैं जो करता हूँ
उसका मजाक बनाता हूँ, फिर भी उन्हें करता हूँ और खुश रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे लगता है कि मेरे पोटेशियम की कमी और अवसाद की एक स्थिति में होता। इसीलिए अवसाद से बचने के लिए मैं कार्य करता रहता हूँ और खुद को बिजी रखता हूँ। वहीं एक बार शाहरुख ने बताया था कि मैं 15 साल का था जब मेरे पिता गुजरे और 26 साल का था जब मेरी माँ का निधन हो गया। ये हमारे लिए काफ़ी दुखदायी था। मेरे पेरेंट्स के बिना खाली घर में हमें बहुत अकेला लगता था। अकेलापन, दर्द, पेरेंट्स को खोने का दुख इतना गहरा कि उससे उबरने में मेरी पूरी ज़िंदगी कम पड़ गई। इतना तो साफ है कि शाहरुख खान बहुत ही मजबूत शख्सियत हैं जो इतने गहरे दर्द को अपने सीने के अंदर छुपाकर हमेशा हंसते रहते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया कि कैसे उनकी बहन इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाई। वहीं आपको बता दें कि शहनाज शाहरुख की बड़ी बहन है। आपने उन्हें मीडिया में सामने आते बहुत कम देखा होगा। शहनाज शाहरुख के साथ ही रहती हैं। आपको बता दें कि शहनाज ने शादी की है या नहीं इस बात की कोई जानकारी नहीं है। कभी कभी मीडिया के सामने आने वाली शहनाज अपने पिता के निधन के कारण ही डिप्रेशन में गई। लंबे समय तक शहनाज का इलाज चलता रहा। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था कि शहनाज बहुत शांत रहती हैं, वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। मेरे पिता के निधन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरे पिता का निधन कैंसर से हुआ था, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जब शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद का पार्थिव शरीर घर पर लाया गया तो शहनाज को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। शहनाज स्कूल से आई और पिता की बॉडी देखकर बेहोश हो गई। शहनाज 2 दिन तक बेहोश रही थी, उनकी आँख से आंसू की एक बूंद तक नहीं बही थी, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली गई। वो बीमार रहने लगी थी, घर की सारी जिम्मेदारी शाहरुख के कंधे पर आ गई थी। शाहरुख अपने पिता के निधन के गम से बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे और DDLJ की शूटिंग उन्होंने शुरू की। इसी बीच फिर से शहनाज की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि वो बच नहीं पाएंगी। जब शाहरुख उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले गए। जी हाँ, शहनाज अपने भाई के साथ हर कदम पर खड़ी रहती हैं। शाहरुख खान के बुरे वक्त पर शहनाज ने उनका साथ दिया था। शाहरुख अपनी बड़ी बहन को माँ की तरह प्यार करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पिता के निधन के बाद शाहरुख खान ने अपनी माँ को भी खो दिया था और जिसके कारण उनकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना शाहरुख खान की बहन शहनाज लाला रुख के बारे में कि कैसे माता पिता के निधन के बाद शहनाज डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, कैसे शाहरुख खान ने जगह जगह उनका इलाज करवाया और अब वो अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हैं। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।